बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए मटन कोरमा। इससे पहले मैं मटन की कढ़ाई भी बना चुकी हूँ और आलू गोश्त भी दो तीन स्टाइल से मैंने आपको जो मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। मैं कोई टीचर का दावा नहीं करती कि मैं बहुत बड़ा शेफ़ हूँ या, लेकिन जो मुझे खाने बनाने आते हैं वो मैंने अपने आपसे रेसिपी शेयर की। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 किलो मटन है, ये 1 किलो मटन, रान का गोश्त बनवा लिया था मैंने, 1 किलो मटन, और ये मैंने लिए हैं 4 प्याज दरमियाने साइज के, 4 प्याज दरमियाने साइज के, और ये थी 1 पाव टमाटर थे, तकरीबन वो 5 टमाटर थे दरमियाने साइज के, 1 पाव टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। वैसे कोरमे में काट के डालते हैं लेकिन मैं पेस्ट डाल रही हूँ, उससे ज़रा ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। ग्रेवी के लिए मैंने ये यूज़ किया, आप काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 पाव टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्च, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें पीस ली इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी। तकरीबन मैं लूँगी 5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और दही जाएगी इसमें 1 कप फुल भर के, 1 कप दही, और ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे 1 कप, वो भी देख लेंगे कितना होगा लेकिन हम 1 कप यूज़ करेंगे, और नमक इसमें जाएगा हसबे जायका। मसाले जाएंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च इसमें है मेरे पास अलग रखी हुई है वो 1 चाय का चम्मच जाएगी, और तकरीबन 1/4 टीस्पून, चौथाई चाय का चम्मच इसमें मैं जायफल जावित्री पाउडर यूज़ करूँगी। ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ ये है 1 चाय का चम्मच, और बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं मटन कोरमा। ये मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है मटन कोरमे के लिए, इसमें ये 4 प्याज लिए हैं मैंने, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छा सा, फ्राई कर लूँगी इसको मैं। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इतना ही खूबसूरत कलर चाहिए था मुझे। मटन कोरमे का ये होता है कि आप प्याज निकाल लें थोड़ा सा और फिर उसमें डालें, लेकिन मैं, मुझे चूंकि ग्रेवी बनानी है इसलिए मैं इसमें डालूंगी मटन। ये मैंने लिया है 1 किलो मटन, तो मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी फिर इसमें और दूसरी चीज़ें ऐड करूंगी। अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसमें मैं डाल दूंगी पहले डालूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 5 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, और साथ में इसमें अब डाल दूंगी मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि उसका फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो बस लास्ट में डलता है वो, इसका असूल यही है। इसको मैं भून लूंगी फिर, और जब मैं इसको पकने के लिए रखूंगी तो मैं इसमें टमाटर और
सब मिर्च का जो पेस्ट है ना वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी मैं भून रही हूँ मसालों को। मैं नमक डाल रही थी, अब मैं नमक डालूंगी इसमें हसबे दायका, आपकी मर्जी जितनी डालें। मैं तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डालूंगी इसमें नमक। नमक चला गया, अब इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन और ये सब्ज मिर्च का और टमाटर का पेस्ट। सब्ज मिर्च और टमाटर का पेस्ट। बस मैं अब इसमें और पानी नहीं डालूंगी, ये इसी में ही हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये इसी में गल जाए, मटन गल जाएगा, फिर हम इसको भून लेंगे। भून के फिर मैं इसमें दही डालकर दम पर लगा दूंगी, कोरमा हमारा रेडी हो जाएगा। बस मैं अभी से पकने के लिए छोड़। मटन मैंने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि अच्छा सा गला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा अभी भी गला नहीं है, ये फुल डन नहीं हुआ। अब इसमें मैं डालूंगी दही, और बस इसी में मैं हल्की आंच पे इसको जब तक ये गल जाएगा ना इसको पका लूंगी। थोड़ा सा अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं पानी ग्रेवी के लिए डालूंगी, वरना ज़रूरत नहीं है, इसी में ये गल जाएगा। बस मैं अब इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन कोरमा रेडी है। मैंने इसको लेमन स्लाइस, अदरक जुलियन काट कर और सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। आप इसे नान के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है नान के साथ मटन कोरमा। और दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसको और मेरी वीडियोस पर कमेंट भी क्या करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और दुआ में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।